लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लियर साइज एंड ब्यूटी। होपफुली तो सी सारे एकदम ठीक होंगे। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स ने, सारा ने बहुत ज्यादा कमेंट्स किए थे कि तुसी अपना वेस्टर्न वेयर कलेक्शन भी दिखाओ। सो मैं वही थोनू दिखाने जा रही हूं। मतलब ऑब्वियसली पार्ट्स दे विच होगा। अज दे पार्ट दे विच मैं थोनू सारी अपनी जैकेट्स जिहड़ियां कोट्स आ हना या फिर आउटर वेयर सारे मैं थोनू इस वीडियो दे विच दिखाऊंगी। सो गाइज, मैं फटाफट एक डिस्क्लेमर भी दे दा कि ये कोई शो ऑफ नहीं आ, ये जस्ट मेरी कलेक्शन आ। काफी सालों के मेरे को जैकेट्स कट्ठिया हुई, मैं थोनू वही दिखा रही हूँ, कोई शो ऑफ नहीं है। एंड प्लस ये मेरे व्यूअर्स की डिमांड आ, सो हेयर इट इज। सो आप शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। ये वाली जी जैकेट्स आ, ये सारिया मेरे नीचे एक एक्सट्रा अलमीरा ओदे विच सीगियां, जिहड़ी मेरी वार्डरोब चा जिवें कि तुसीं देख सकदे। डोंट माइंड, थोड़ा जिहा मैसी आ, बट वो वाली हजे मैं हजे उत्थे रखी हाँ। पहला आप ये फिनिश करांगे, दैन आपां उन्हां ते जावांगे, है ना। गाइज ये जी फस्ट जैकेट, ये लोंग पफर जैकेट आ, तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आ। जो तुसीं कितें स्नो च जाणा आ तां बेस्ट ऑप्शन आ। एंड प्लस ब्लैक आ, सो तुसीं किसी भी आउटफिट नाल नूं पेयर अप कर सकते हो ईजीली। जिहड़ी सैकेंड जैकेट आ, ये भी उदां ही आ, लोंग आ, पफर जैकेट आ, तो बस इहदा कलर जिहड़ा डिफरेंट आ, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा पिंक कलर आ। एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। जी टैडी लोंग कोट, ये भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। थोड़ा पता मैं टैडी स्टफ बहुत ज़्यादा वधिया लगता, सो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आ। ये भी टैडी लोंग कोट आ, तो ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आ। मतलब जी भी टैडी वाली स्टफ हों, मोस्टली कंफर्टेबल ही हों, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती इस। एंड प्लस ये कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा। एंड मोस्ट ऑफ जी मेरी जैकेट्स उन्हों का न्यूट्रल कलर आ, क्योंकि मोस्टली न्यूट्रल कलर्स में तुसी किसी भी आउटफिट ना ईजीली पेयरअप कर सकते हो। सो ये वाला जो लोंग कोट है मैं इन्ना ज़्यादा वधिया लगता है, बिकॉज आ जोड़ा पैटर्न है ये फ्लावर्स वाला एम्ब्रॉयडरी आ, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आ, तो बहुत ही सोहना कलर आ। तुसी ईजीली इनू भी किसी भी चीज़ ना पा सकते हो। तो प्लस गाइज ये मैंने सिर्फ $5 का मिले सी, एक चाइनीज शॉप सी जिथे मैं काम करती सी, मेरे ऑफिस के बिल्कुल ही कोल और शॉप सी पुरान दे विच। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड डील जिहड़ी मैंने मिली आ इस कोट ते। मतलब इन्ने सस्ते लोंग कोट कदे भी नहीं मिलते किसी नूं, सो मैंने बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा रैड लोंग कोट आ, ये वाला इंदर का परसनल फेवरेट आ। तो इंदर ने मैनू ये दवाया सीगा इंडिया तो जब असीं गए सी अपने अपने जो विआह ते गए सीगे सी 2019 दे विच। एंड मैनू हार्डली एक बारी पाया ये वाला लोंग कोट आ, ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल जहा आ। एंड ये मैं बहुत पाया जो मैं जॉब करती सी, सो बहुत ही ज़्यादा वधिया। ये H&M तो सीगा एक्चुअली। सो नैक्सट आ ये वाला लोंग कोट, तो ये भी कहना फॉर्मल जहा आ। इज अनदर वन, ये गोल्ड बटन डिटेलिंग आ लाइक स्लीवस से। एंड इतने ये भी बहुत ही ज़्यादा वधिया लगता है, मतलब मैं हर एक चीज़ में वधिया लग वधिया लगे तो ही मैं लिया सीगा, सो डोंट माइंड जो मैं बार बार कह रही हूँ। नैक्सट आ ये केप कोट, ये मैं शीन तो ऑर्डर किया सीगा, तुसीं मेरे शीन हॉल च देखा होना, फस्ट शीन हॉल च। नैक्सट आ ये स्लीवलैस लोंग जैकेट लोंग कोट, एंड इन्हें तुसीं गर्मियों के पा सकते हो या फिर सर्दियों के पा सकते हो। सर्दियों के नीचों जिवें मैं मोटा पाया हूँ ये उत्तों भी पा सकते हो, मतलब इट्स टोटली अप टू यू, तुसीं इन्हों जिवें मर्जी स्टाइल कर सकते हो गर्मियाँ एंड सर्दियाँ दोनों के। नैक्सट हैगा ये वाला लोंग कार्डिगन, ये फर फैब्रिक आ एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आ, वॉर्म आ। ये आ जी ओवर साइज लोंग कोट, एंड ये भी बेज कलर च आ, तो इन भी तुसीं काफ़ी तरह ना स्टाइल कर सकते हो, इन्ना मोटा नहीं आ। सो तुसीं इनू जिदा गर्मियों के काफ़ी यह जो दिन आदि इतने स्पैशली जो बहुत ज़्यादा ठंड होंगी गर्मियों के भी समर्स के, सो आप उदो इनू स्टाइल कर सकते हैं। अगेन ये जोड़ा लोंग कोट आ, ये भी काफ़ी थिन फैब्रिक का बनया हुआ, सो इनू भी आप जो विंटर्स स्टाइल करना तो आप नीचों की हाई नैक स्वेटर्स पा के कर सकते हैं, है ना, मोटे स्टफ दियाँ चीज़ अंदरों पा के। एंड जो आप समर्स पाना आ तो सिंगलेट्स न, है ना, उत्तों इनू पेयरअप कर सकते हैं। नैक्सट आ जी ये कैमोफ्लैज जैकेट, तो ये बहुत पुरानी है मेरे को, बट स्टिल मेरा हजे इनू सुटन दिल नहीं करता भी मैं कदे कदे पा सकती हाँ, बिकॉज मैंने कैमोफ्लैज बहुत ज़्यादा वधिया लगता। सो गाइज़ मैं फर एंड टैडी जैकेट्स बहुत ज़्यादा वधिया लगदियां ने। सो ये वाली आ ब्लैक एंड जो वाइट कॉलरस आ, बहुत ही ज़्यादा मैं क्यूट जी लगती है, तो अगेन इनू भी आप काफ़ी चीज़ों ना पेयरअप कर सकते। सो मैं इदा के पीसिस ही अपनी कलैक्शन के रखे आ जो आप ज़्यादा चीज़ों ना पेयरअप कर सकते हैं। सो गाइस जी आ जैकेट का नाम है बहुत ही फनी रखे इधर ने, भब्बू कुत्ते वाली जैकेट, बट मैंने जैकेट इन्नी प्यारी लगती है, इन्नी
क्यूट स्टाइलिश फंकी मतलब जड़ा भी नाम तुम दे सकते हो बहुत ही वधिया लगती है एंड कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा कंफर्टेबल भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैगी है जैकेट बहुत ज़्यादा एंड हजे तक मैंने पाने का मौका नहीं मिले लास्ट टाइम इंद्र ने मेरे बर्थडे से एक जैकेट गिफ्ट की थी है ना बर्थडे वीक मनाया जो बट वो मेरे साइज का इशू सगा सो चेंज करके मैं ले सी बट हजे तक मैं पाई नहीं नैक्सट है जी वाइट पब्बू कुत्ते वाली जैकेट मैं बहुत ज़्यादा वधिया लगती है मतलब ये जो फर जैकेट्स चलिया सी ना आई थिंक फ्यू तीन चार साल पहला उदो मैं फस्ट जैकेट आ वाली ऑर्डर की सी एंड यू बहुत अच्छी लगती है बट यदि वॉर्म नहीं हैगी बट उत्तों ही है ये लुक जी जी वॉर्म लगती है बट ऑनेस्टली इन्नी ठंड नहीं रोकती है जैकेट एक होर फर वाली जैकेट हैगी लैपर्ड प्रिंट के भी तुम याद होना है ना दो तीन साल पहला बहुत ज़्यादा चली सी सो मैं भी उदी बाय की सी ऑनलाइन की सी ईबे तो मे भी बिकॉज उदो ईजली अवेलेबल नहीं होंगी स्टोर से सो ओके सो ये वाली जी बेसिकली ब्लेजर है ना काइंड ऑफ ब्लेजर ला लो तुम तो यदि मैं डिटेलिंग बहुत ज़्यादा वधिया लगी सी जिमें वो नहीं होंगी आर्मी ड्रैसिस नहीं होंगे काइंड ऑफ पता नहीं किहड़े कंट्री दियाँ तो उदा दी मैं लगी सी H&M तो लई सी मैं ब्लेजर H&M तो लिया सीगा एंड नेवी ब्लू चा सो वैस हम मैं थोड़ा अपन डेनिम जैकेट्स दिखाऊंगी जो मेरे को है ने फस्ट हैगी जी हाँ पिंक वाली ओबियसली जी डेनिम जैकेट्स होंगे ना वॉर्म नहीं होंगे बट विंटर्स तुम सेम सिमिलरली है ना तो विंटर्स नीचो मोटे कपड़े पा के उत्तों इनू पा सकते हो तो गर्मियों के तेन पा ही सकते हो ये वाली डेनिम जैकेट हैगी जी मस्टर्ड कलर के तो काफ़ी फंकी कलर आ सो ये वाली जी डेनिम जैकेट आ थोड़ी विंटेज टच आ एंड जो मरून कलर आ वो भी काफ़ी सोहना आ जी सब तो फस्ट डेनिम जैकेट आ जी मैं ऑन की सुरे आके नॉर्मल ब्लू डिस्ट्रेस जैकेट आ नेक्स्ट आई गॉट दिस स्लीवलैस डेनिम जैकेट तो ये इतने डिटेलिंग आ एम्ब्रॉयडरी की जी वाइट च स्लीवलैस डेनिम जैकेट एंड आई ऑलसो गॉट दिस ओवरसाइज डेनिम जैकेट एंड रीसेंटली मैं आ डेनिम जैकेट बाय की सी बहुत ही यूनीक जहा कलर आ सिंपल ग्रे कलर की जैकेट आ जो कि बहुत ही ज्यादा वॉर्म आ जी वाइट पफ जैकेट आ मैं रीसेंटली जो इंडिया गई थी उतों लैके आई सी जो कि बहुत ज्यादा वॉर्म आ वाली जैकेट बहुत ज्यादा चलियां सगियां पफ जैकेट्स है ना क्रॉप्ड तो ये जी पर्टिकुलर जैकेट आ मैंने मेरी फ्रेंड रमन टीन सा ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की सी एंड बहुत ही प्यारा कलर आ सो वाली स्पोर्टी जैकेट आ मैं बहुत ज्यादा वधिया लगती आ बिकॉज ये टेप्ड आ एंड हमने रीसेंटली जो टेप वाली चीज़ें काफ़ी ट्रेंड आईया सगिया मैं उदो बाय की सी पफ लैदर जैकेट है जी ये मैं रीसेंटली शीन तो लई सी तो मैंने ये लुक बहुत ज़्यादा वधिया लगती है लाइक क्लासी जी लुक है यदि ये बेसिक पफर जैकेट है ब्लैक के मेरी काफ़ी पुरानी जैकेट है बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा वॉर्म आ तो मैं रखी हुई अपने को गाइज ये क्रॉप्ड कोट आ एंड बहुत ही ज़्यादा एलीगेंट लगता है तो ये भी पफर जैकेट आ रस्ट कलर के रीसेंटली गॉट दिस जैकेट मिंट कलर के क्रॉप्ड नाइस मैं थोड़ा अपने सारे ब्लेजर दिखाई हाँ फस्ट हैगा जी ये क्रॉप्ड पैटर्नड ब्लेजर आस्ट हैगा जी ये क्रेमिश वाइट ऑफ वाइट हाँ ऑफ वाइट ब्लेजर थोनू जो तुम ऑफिस कम करते हो तो थोनू दो बेसिक कलर जरूर थोड़े को होने चाहिए ब्लेजर के वाइट एंड ब्लैक बहुत ज्यादा चीज़ों चल जाते हैंगा ये केप ब्लेजर जो कि मैं शीन तो ऑर्डर किया एंड आई लव द पैटर्न नैक्सट हैगा ये ग्रे ब्लेजर ये मैं कोट सैट लिता सीगा ब्लेजर ना मिनी स्कर्ट आ ये ना मेरी बहुत बड़ी याद जुड़ी हुई आ ये सैट मैं उदों लिया सीगा जो मेरे डिग्री का प्रोजेक्ट का फाइनल प्रेजेंटेशन सी एंड उदो मैं ये कोट सैट पाया सीगा सो नैक्सट हैगा ये ब्लैक लोंग ब्लेजर जिमें कि मैं क्या ब्लैक ब्लेजर होना इज अ मस्ट इन योर वॉर्डरोब बहुत ही ज़्यादा क्लासिक शीक लगता है इस मूमेंट मेरा सह चढ़िया पे मेरी बांह दुख रही हूँ बार बार जैकेट ला पा के बट आई गॉट डू दिस फॉर यू गाइस सो ये है जी नैक्सट ब्लेजर बहुत ही ज़्यादा यूनीक कलर मैंने ये ब्लेजर का लग्या सीगा रीसेंटली अपने बर्थडे वीक दे विच आ वाला ब्लेजर पाया सीगा ते काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद आया सीगा कॉटराइज फैब्रिक जड़ा हैगा वो काफ़ी ट्रेंड च आ रहा है रीसेंटली सो आई गॉट दिस ब्लेजर एंड स्पैशली मैंने ये पर्ल वाले जो बटन से बहुत ज़्यादा प्यारे लगे थे प्लस द कलर आई गॉट दिस ब्लेजर बिकॉज ऑफ दी स्लीवस सो काफ़ी वधिया मैं डिटेलिंग लगी सी इस ब्लेजर की सो नैक्सट हैगी है ब्लैक पफर टॉप जैकेट तो ये जोड़ा शाइनी मटीरियल है ना ये इसने मेरा दिल लुभाया था तो मैंने इसको ले लिया था ये जी क्रॉप्ड रिफ्लेक्टिव जैकेट
ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬਲੂ ਪਫਰ ਜੈਕਟ ਅਗਲੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲੌਂਗ ਲਾਈਨ ਜੈਕਟ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਮ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਾ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੈਟੈਲਿਕ ਮਸਟਰਡ ਸ਼ੇਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਫਰ ਜੈਕਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਪਫਰ ਜੈਕਟ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਲੀਵਲੈਸ ਬਲੈਕ ਜੈਕਟ ਇਹ ਆ ਜੀ ਸਲੀਵਲੈਸ ਜੈਕਟ ਇਨ ਰੈਡ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਫਰ ਜੈਕਟ ਆ ਸਲੀਵਲੈਸ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਲਈ ਸੀ ਟਾਰਗੇਟ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹ ਆ ਜੀ ਅਗਲੀ ਫਰ ਜੈਕਟ ਇਹ ਚੋਕਲੇਟ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੇਡ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਮ ਜੈਕਟ ਆ ਇਹ ਸੇਮ ਜੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਫਰ ਜੈਕਟ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ਡ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਸ਼ੇਡ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਡੀ ਜੈਕਟ ਦਿਖਾਊਂਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਓਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟੈਡੀ ਜੈਕਟ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਬਲੈਕ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਮ ਆ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਊਟਫਿਟ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਟੈਡੀ ਜੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਬੇਜ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੇਡ ਆ ਆਈ ਗੋਟ ਵਨ ਇਨ ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਸੋ ਇਹ ਐਕਚੁਲੀ ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਲਈ ਔਡਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਈਜ਼ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਜੈਕਟ ਟੈਡੀ ਜੈਕਟ ਇਨ ਵਾਈਟ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਊਟ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵਾਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜੈਕਟਸ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਵੀਅਰ ਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਬਾਏ